हाय गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जेके एडिटिंग। तो आगे नए वीडियो के साथ आज हम ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिट करेंगे काइन मास्टर से। तो बने रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक। तो जो आपने वीडियो प्रीव्यू में देखा वैसा ही हम अब काइन मास्टर से एडिट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑल मटेरियल पासवर्ड आपको वीडियो में दो बार शो कर दिए जाएंगे, दो पासवर्ड पहले और दो पासवर्ड बाद में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना, उसके बाद में जो भी लिरिक्स वीडियो है उसको हमें ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है और मीडिया में जो भी वीडियो है उस वीडियो को हम ऐड करेंगे। तो यही वो लिरिक्स वीडियो है, इसको हमें ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और बैक चले आते हैं। बैक चले आने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले जितना वीडियो का लिरिक्स है उतना ही हम इस वीडियो को रखेंगे। उसके बाद अपने फोटोज यहाँ पर ऐड करने हैं। तो पहले तो हम वीडियो को जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद में यहाँ तक आपको इतना ही आपको अपने वीडियो को ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ पर ट्रिम टू स्प्लिट और ट्रिम टू राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर इसके ऑडियो को म्यूट कर लेना। तो यहाँ पर इसके ऑडियो को म्यूट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोटोज़ कोई भी यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए मीडिया पर क्लिक करेंगे और उस फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर ये फोटोज़ भी ऐड मैंने कर लिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया में इसका जो लिरिक्स वीडियो है उसको हम ऑडियो है वही उसको ऐड करेंगे। तो ये वो ऑडियो है, इसको हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेता हूँ और वीडियो को आपको डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे चले आना है म्यूजिक पर, और म्यूजिक पर आने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ये बीट दिख रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बीट मार्क लगाएंगे और फिर से यहाँ पर आपको बीट मार्क लगा देनी अपने फोटोज पर। और इसके बाद यहाँ पर इस बीट पर फोटो ट्रिम करेंगे और यहाँ पर भी इस फोटो को एक फ़ोटो को यहाँ पर ट्रिम करेंगे, और जहाँ पर ये वाले जो आपको कट बीट दिख रही होगी उस पर आपको फ़ोटो को ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ पर पहले तो हम बीट मार्क लगाएंगे ताकि अच्छा रहे फ़ोटो को, हम जल्दी जल्दी बाद में क्रॉपिंग कर सके जितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये बीट होगी और इसके बाद एक और बीट यहाँ पर है, और इसमें जो बीच में हम फ्लिकिंग ऐड करेंगे फ्लिकिंग, तो वो ग्रीन स्क्रीन फ्लिकिंग को ऐड करना है हमें। तो सभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अपना वीडियो लंबा बन जाएगा, तो आपको मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में तो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला फ़ोटो को हम यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं। फिर से सेकंड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और सेकंड फ़ोटो को इस बीट पर ट्रिम टू राइट कर लेंगे, और यहाँ पर थर्ड वाला फ़ोटो को हम इतना ट्रिम कर लेंगे इस पर। फोर्थ फ़ोटो को हम यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ पर 6:5 को यहाँ पर ऐड कर ट्रिम कर लेंगे, और 6 वाला यहाँ पर, और 7 पर इधर, और यहाँ पर 8 इधर, और फिर से यहाँ पर इतना इसको यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो ज़्यादा शॉर्ट बिट दिख रही होगी आपको इसमें, तो इसमें आपको फ्लिकिंग ऐड कर लेना है। तो ग्रीन स्क्रीन को ऐड करेंगे और यहाँ तक आपको इस वीडियो को इतना रखेंगे, फिर से हम इस फोटोज़ को ट्रिम कर लेंगे। और उसके बाद आपको सभी फ़ोटो में सेम प्रोसेसिंग ये वो जो ट्रिम टू राइट कर लेंगे बीट के अनुसार ही। तो यहाँ पर बैक कर लेंगे, तो आप सभी ज़्यादा फ़ोटोज ऐड करें ताकि इसके ऊपर हम बीट मार्क लगा दें, वो आपको ट्रिम करके बीट मार्क पर ट्रिम कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इस फोटो पर हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे, तो लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेते हैं। तो यही वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो, इसको हम पहले फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो फुल स्क्रीन पर अपन यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पर बैक चले आएंगे और क्रोमा की पर क्लिक करके क्रोमा की को इनेबल करना, ग्रीन कलर को चूज़ करके यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है, और थोड़ा सा हम अपने फ़ोटोज से आगे रखेंगे यहाँ पर ताकि ये जो बीट अनुसार ही सेट हो जाए। उसके बाद में फिर से हम इस फोटो के अनुसार ही यहाँ पर जो ज़्यादा पार्ट है उसको हम ट्रिम टू राइट कर लेंगे। तो ये ट्रिम टू राइट हो गया। उसके बाद हम जो फोटोज़ पे उस पर हम इफेक्ट ऐड करेंगे। इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर इस फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिप ग्राफिक्स में आपको एक कॉल मी डीजे ऐड करना है। इसके अंदर कॉल मी डीजे को काइन मास्टर में कैसे ऐड कर सकते उस वो वीडियो मैंने बनाई हुआ है, तो वीडियो वो चैनल पर आप देख लेना और मैं
उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख के ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉल मी डीजे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर फोन नंबर वाला ऐड कर लेंगे। फोन नंबर वाला ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको फोर जो क्लिप ऑफिस ऐड किया उसकी लेंथ यहाँ पर लेयर को आपको इतना ही रखना है जो बीचों बीच में सेंटर में। फिर से आपको क्लिप ऑफिस कॉल मी डीजे और यहाँ पर फोन नंबर वाला और इसको हम इतना रखेंगे ताकि ये जो वीडियो में ज़्यादा नहीं लगे। जैसे कि यहाँ पर इस वाले फोटो पर लगाएंगे क्लिप ऑफिस पर और कॉल मी डीजे फोन नंबर वाला और इसको यहाँ तक ऐड करेंगे तो क्या अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका। मैं आपको पूरा नहीं बताऊँगा वीडियो क्योंकि अपना वीडियो लंबा नहीं बन जाए, तो आपको शॉर्ट बिट में जितना समझा सके उतना मैंने बना दिया है। तो अब इसको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करके गैलरी में सेव कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।